हेलो गाइस, आज हम लेसन नंबर 6 करेंगे। उसमें आपको बताया जाएगा कि आपको यूट्यूब पे सेटिंग कैसे करनी है। एंड कल लेसन नंबर 5 में आपको बताया गया था कि आपको यूट्यूब पे वीडियो कैसे अपलोड करनी है। फ्रेंड्स, हमारा यूट्यूब का चैनल है सीसी अंबाला। इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करिएगा प्लीज़। थैंक यू। लेट स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेसन नंबर 6। ठीक, यूट्यूब सेटिंग। आपको YouTube सेटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको अपने राइट हैंड साइड पे इस जिधर नेम का लोगो लगा हुआ है, जिस सी लगा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। देन आपको YouTube चैनल पे जाकर ओपन करना है, ये आपको पता ही होगा। उसके बाद आपको जाना है योर चैनल पर। योर चैनल पर जाते ही ये देखिए, ये आपका ये आ गया वीडियो, वीडियो आ गई यूट्यूब डोमिनेशन कोर्स की, सेमिनार्स वगैरह, या हमने जैसे भी कोई वीडियो अगर वो बनाई होगी या कल डाली थी एक वीडियो, आपको याद होगा वो आई थिंक ये है। ठीक है, चलते हैं। ठीक है, यूट्यूब की सेटिंग पर सबसे पहले ये देखिए, आप आ जाइए अपने यूट्यूब स्टूडियो पर। आप ये यूट्यूब स्टूडियो ओपन हो रहा है। ठीक है, इसमें नंबर वन पे आता है डैशबोर्ड, जिस पे आपकी वीडियोस आ जाती है, जो लेटेस्ट वीडियो आई होगी परफॉर्मेंस वो आ जाएगी। ठीक है, इसमें आपके पास यहाँ पे देखो टॉप वीडियोस लास्ट 48 आवर। ठीक है, जो लास्ट 48 आवर्स में उसे डाला गया है। करंट सब्सक्राइबर इसके 0 हैं। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सेकंड पे आ जाएगा वीडियो। वीडियो में आप खुद ही देख सकते हो, इस पे वीडियो वो आएंगे जो आप अपलोड करोगे, वो वीडियोस इनमें आएंगी। ठीक है, जैसे ये 3 आ रखे हैं, और यहाँ से लाइव स्ट्रीम का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से लाइव स्ट्रीम वाली जो आपकी वीडियोस होंगी वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे देखो, अब लाइव स्ट्रीम यहाँ से आप करके आप वहाँ शो होने स्टार्ट हो जाएगी। ये वीडियोस में भी आ जाएंगे, वैसे यहाँ से आपकी लाइव स्ट्रीमिंग हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में आपके पास वो वीडियोस आएंगे, जैसे आपने प्लेलिस्ट बनाई होगी, उसमें आपने 10-15 वीडियोस डाल दी, वो एक प्लेलिस्ट बन जाएगी, जो आप कभी भी ओपन करके अलग से प्लेलिस्ट में आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ जाता है प्लेलिस्ट के बाद आपके पास आ जाता है एनालिटिक्स। ठीक है, एनालिटिक्स पे जाकर देखो, अगर योर चैनल डिड नॉट गेट एनी व्यूज इन द लास्ट 28 डेज, यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि आपके लास्ट 28 डेज में कितने व्यूज हैं, कितना वॉच टाइम है, कितने आपके सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ से पता लग जाएगा, देखो। ओके, उसके बाद आ जाता है रीच। रीच में आपको पता लगेगा आपके इम्प्रेशन कितने हैं, इम्प्रेशन पे जो है आपके क्लिक कितना हुआ, उसका क्या रेट है, व्यूज आ जाएंगे, यूनिक व्यूअर्स होंगे, वो भी आपको यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद आता है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट में आपके आ जाता है वॉच टाइम आ जाएगा, और एवरेज व्यू ड्यूरेशन, मतलब कि उस वॉच टाइम में कितने बंदों ने आपका कितने टाइम कितने व्यूज देखे। इससे आपको एक फायदा होगा कि आप कभी भी वीडियो बनाते हो तो उस टाइम में आप वीडियो ज्यादा से ज्यादा डालो, जिससे क्या होगा आपके वॉच टाइम बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ऑडियंस। ऑडियंस में आ जाएंगे आपके, देखो जो एक यूनिक व्यूअर्स है वो आ जाएंगे, एवरेज व्यूअर्स पर व्यूअर। ठीक है, कि ये बता देंगे कि इतने में इतनी एवरेज की एक बंदा कितनी, मतलब वो पूरा आपके पास आ जाएगा कि आपकी एवरेज की व्यूअर की कितनी है, और आपके लास्ट में दिखा देंगे सब्सक्राइबर्स। ठीक है, ये सब कुछ आ जाएगा इसमें। यहाँ पे आपका ये भी आ जाएगा, देखो एज एंड जेंडर। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है कमेंट्स। कमेंट्स में आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपके पास दो दो रास्ते हैं कमेंट्स में। एक तो आप कर सकते हो कि जैसे आपकी अगर आपकी वीडियो पे कोई गलत कमेंट करे तो आप उसे यहाँ से बंद कर सकते हो। ठीक है, आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है कि आप यहाँ से अपने उस कमेंट को बंद कर सकते हैं, कि अगर आपके बारे में कोई गलत कमेंट करें वीडियोस पे तो आप यहाँ से उसको कर सकते हो। ठीक है, ये देखो सब्सक्राइबर काउंट 1K। ठीक है, आपको इसका ये फायदा रहेगा कि अगर आपके कोई भी कमेंट गलत करता है तो आप यहाँ से उसके लिए रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो।
ठीक है। उसके बाद आ जाएगा चैनल सबटाइटल्स, यहाँ पे आपके सबटाइटल की जो वीडियोज होंगी वो आ जाएंगी, यहाँ पे जो ड्राफ्ट में आपने सेव की होंगी वो आ जाएंगी, यहाँ कम्युनिटी गेट योर वीडियो ट्रांसलेटेड इजी एंड ऑटोमेटिकली। अगर आपको अपनी कोई वीडियो ट्रांसलेट करनी है तो यहाँ से आपको टर्न ऑन करके ट्रांसलेट हो जाएगा और लास्ट में आ जाता है पब्लिश्ड, इसको वीडियो को पब्लिश कर सकते हो। ठीक है, जो आपका कमेंट था मैंने उसमें आपको बता दिया था कि आप यहाँ से अपने जो व्यूअर्स हैं उनके लिए अगर वो गलत कमेंट ना करें तो आप यहाँ से अपना वो रिस्ट्रिक्शन उन पे लगा सकते हो। उसके बाद आ जाता है सेटिंग, सेटिंग में देखो क्या आ गया, जर्नल, चैनल, अपलोड, डिफॉल्ट, परमिशन, कम्युनिटी एग्रीमेंट। ठीक है, जर्नल में आपके आ जाएंगे डिफॉल्ट यूनिट आ जाती है करेंसी की। ठीक है, उसके बाद आ जाता है चैनल, चैनल में यहाँ पे आपको कीवर्ड डालना होता है। ठीक है, कि कौन देखो ये लिखा ना, टू एडिट चैनल नेम विजिट योर गूगल अकाउंट, यहाँ से आप हो सकते हैं यहाँ पे कीवर्ड भी डाल सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आप कंट्री सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से जाकर फिर सेव कर सकते हो। उसके बाद आता है अपलोड डिफॉल्ट, यहाँ पे आप टाइटल लिख लोगे एक। ठीक है, जैसे टाइटल है मैं बना रहा हूँ आज वीडियो यूट्यूब आ जाएगा YouTube सेटिंग। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ यहाँ जगह आपको YouTube सेटिंग डैशबोर्ड। ठीक है, यहाँ पे मतलब आप इसके बारे में लिख सकते हो कि आपकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन क्या है। ठीक है, इसमें ये सारा आ जाएगा आपका, इससे आपका यहाँ पे विजुअलिटी भी आ जाएगी। देखो ये देखो विजुअलिटी, प्राइवेट, पब्लिक, अनलिस्टेड, कौन सी भी करनी है, यहाँ से टैक्स यूज कर सकते हो, इसे टैक्स को मेन कहते हैं SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिससे क्या होता है कि आपकी वीडियो को कोई भी सर्च करे तो उससे आपके जो ऐसे वर्ड यहाँ पे लिखने होते हैं जैसे डिजिटल, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल वर्ड, कुछ भी चीज़ से अगर सर्च करें तो आपका डिजिटल का इसमें आना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ के लिए होता है, इसमें क्या होता है कि आप बाय डिफॉल्ट आप एक बार कर दोगे अपने आप इसमें बेसिक इन्फो वाले में कह बता रहा हूँ आपको, अपने आप इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, आप जो वीडियो डालोगे उसमें ये डिस्क्रिप्शन आएगी आएगी और टाइटल्स और ये सब कुछ। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एडवांस्ड सेटिंग, देखो यहाँ पे आ जाएगा वीडियो लैंग्वेज। ठीक है, विच वीडियो लैंग्वेज, ठीक है, ओरिजिनल वीडियो लैंग्वेज, सब टाइटल एंड कॉपी क्लेम, ठीक है, सीसी, कैप्शन सर्टिफिकेट, यहाँ से आपके पास आ जाएगा कैप्शन सर्टिफिकेट कौन सा आपको चाहिए। ठीक है, यहाँ से कम्युनिटी, ठीक है, कम्युनिटी विजिबिलिटी होल्ड पोटेंशियल इनपुट, ठीक है, यहाँ से सेव करके आपको सबसे पहले परमिशन पे आना है, यहाँ से आपको परमिशन के लिए और कंटेंट मैनेजिंग चैनल परमिशन थ्रू ब्रांड अकाउंट, यहाँ पे मैनेज परमिशन पे जाना है। ठीक है, मैनेज परमिशन पे जाएंगे, यहाँ पे आपको यस करना है, इससे क्या होगा कि आपका अकाउंट, ठीक है, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, मेरे पास अभी मोबाइल में है ये मोबाइल इधर का, इसमें पर्सनली क्या होता है कि आपका प्राइम मैनेज परमिशन योर बैंक अकाउंट 59। ठीक है, अभी हो गया, इससे क्या हो गया, मेरा अकाउंट वेरीफाई हो गया, गूगल को ये पता लग गया है कोई बोट नहीं है, ये जो है अकाउंट जो चला रहा है वो कोई पर्सन है। ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा। उसके बाद आता है कम्युनिटी, कम्युनिटी में क्या आता है देखो, मॉडरेट्स, ठीक है, अप्रूव्ड यूजर्स, हिडन यूजर, ये जो मैंने आपको बताया था ना कमेंट की सेटिंग, यहाँ से हो सकते हैं, यहाँ से इन बंदों को हिडन यूजर, कैसे यूजर हमें नहीं चाहिए, कौन से वर्ड हम ब्लॉक कर दे कि कोई भी बंदा अगर ऐसे वर्ड लिख गया तो हमारे पास शो ना होना, हमारे सब्सक्राइबर्स के पास शो, इस चीज़ के लिए ये सारा कुछ यहाँ से होता है। ठीक है, उसके बाद आता है डिफॉल्ट, ठीक है, देखो कमेंट ऑन योर न्यू वीडियो, कमेंट ऑन योर डिस्कशन टैब, ये सारा यहाँ से सेटिंग हो जाती है, बट आपको इसका यहाँ से ध्यान रखना है कि आपको ऐसे वर्ड यहाँ से ऑटोमेटिक फिल्टर से चूज करने हैं जो आपको पर्सन आपका सर्च करे, आप उसे ब्लॉक कर दो कि अगर वो कुछ गलत स्पैम वगैरह ना करें आपके ऊपर, गलत वर्डिंग यूज ना करें। ठीक है, और यहाँ से फिर सेव कर दे। उसके बाद आता है एग्रीमेंट,
एग्रीमेंट देखो, ऑल यूज द सर्विस इन सब्जेक्ट टू यूट्यूब टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन होती है इसका, आपको अभी इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है आपको इसका दिए सब टाइटल भी आ गया, आपका सेटिंग भी आपको बता दिया गया है, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट है सेंड फीडबैक, ये आपको पता ही होगा, आपको अगर कुछ आपको लगता है कि YouTube आपके ये कुछ भी कर रहा है आपको अच्छा नहीं लग रहा है या अच्छा लग रहा है, तो आप इसमें अपनी फीडबैक दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको बताते हैं मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन इसमें क्या होगा, अभी हुई नहीं है मेरी, ये जब होगी जब मेरे 100,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे और 4,000 आवर वॉचिंग हो जाएंगे, उसके बाद ये चैनल अपने मोनेटाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद इसमें यहाँ से सेटिंग वगैरह होती है, ठीक है। मोनेटाइजेशन का आपको आज मैसेज आ जाएगा कि आपको चैनल मोनेटाइजेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद होता है ऑडियो लाइब्रेरी। देखो इसका मेन क्या है कि ऑडियो लाइब्रेरी में आप यहाँ से थीम सॉन्ग्स वगैरह होते हैं वो कर सकते हो, इतना बेसिकली जरूरी नहीं है। आपके पास इसका पुराना वर्जन था जो अब जैसे यूट्यूब स्टूडियो से पहले था यूट्यूब क्लासिक, ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।